और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग इस वक्त की यह है, ब्रेकिंग न्यूज, मुजफ्फरनगर से बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान के काफिले में तोड़फोड़ की खबर है। प्रचार के दौरान प्रचार वाहन की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। खतौली कोतवाली क्षेत्र के मड़गांव की यह घटना है। मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रचार वाहन की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, संजीव बालियान के काफिले पर तोड़फोड़ हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संजीव बालियान के काफिले में तोड़फोड़ हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रचार के दौरान यह तोड़फोड़ हुई है और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता बिनेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले एक्सक्लूसिवली ब्रेक किया है। बिनेश बताइए, क्या जानकारी है, किन लोगों ने तोड़फोड़ की है और कब की यह घटना है? ना कुछ समय पहले की है कि जब मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के खतौली थाना क्षेत्र में एक मड़ गांव पड़ता है, जहां पर संजीव बालियान जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका काफिला जा रहा था, तभी कुछ अराजक तत्वों ने गाड़ी के काफिले पर हमला कर दिया और गाड़ी की तीन चार गाड़ियों पर में पत्थरबाजी जो की है उसमें तोड़फोड़ हुई है, गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, जो अराजक तत्व थे वो मौके से भाग गए हैं। तो पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब प्रचार चल रहा था और पूरे प्रचार वाहन जो था, पूरा काफिला जो था, उस गांव से गुजर रहा था, तब ये पूरी घटना हुई। जी बिल्कुल बिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।